हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है शाम से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं छत पे आई हूँ और शाम के समय छत पे बहुत ही अच्छा लगता है। चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखती है और साथ में ठंड ठंड हवा भी बहती है। दोपहर के टाइम तो इतना ज़्यादा लू बहता है कि छत पे आने का मन भी नहीं करता है और कहीं बाहर जाने का भी मन नहीं करता है, लेकिन शाम के समय बहुत ही अच्छा लगता है छत पे। आप लोग खुद ही देख सकते हैं इतना ज़्यादा हवा बह रहा है, क्या बताऊँ आप लोग को मैं। दोपहर के टाइम तो लू बहता है यानी गर्म गर्म हवाएं बहती है जिससे कहीं जाने का भी मन नहीं करता है, लेकिन शाम के समय बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइम में गर्मी के मौसम में कि शाम के समय कहीं भी आप जा सकते हैं, खेत खलियान भी जा सकते हैं। लेकिन आज तो मैं खेत नहीं गई हूँ, छत पे ही आई हूँ। मैं सोची चली छत पे ही थोड़ा बहुत टहल लेती हूँ और फिर थोड़ा सा व्लॉग भी बना देती हूँ और सामने से इंट्रो भी बोल दूँगी तो सही रहेगा। हमेशा बैक से ही मतलब पीछे से ही बोलती हूँ तो ज़्यादा लोग जान भी नहीं पाते हैं कि कौन वीडियो बनाता है और कौन नहीं, तो इसलिए मैं सोची चली इंट्रो दे देती हूँ और उसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आप लोग से कुछ पूछना है, आप लोग कमेंट ही नहीं करते और बताते भी नहीं है कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन स्किप कर डालते हैं और फुल वॉच भी नहीं करते। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसा मत किया करिए क्योंकि आप ही लोग के प्यार और सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। आप लोग के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आप लोग एक गरीब की मदद नहीं कर सकते हैं, बस आप लोग हमारे लिए इतना कीजिए कि हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिए और हमारे वीडियो ज़्यादा नहीं बस 2-3 लोग के आए शेयर करें और उन लोग से बोले कि वो लोग हमारे वीडियो को शेयर करें जिससे हमारी काफ़ी मदद हो सकती है। दोस्तों आप लोग हमारे लिए इतना किए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके जब बताइएगा जिससे हमें भी पता चले कि आप लोग गरीब की मदद करना चाहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं वरना आप लोग कहेंगे बस बातें ही कर रही है कुछ भी काम नहीं कर रही। तो आज मुझे खाना बनाना है। आप लोग जानते हैं कि भाभी जो है चली गई है और घर पे कोई नहीं है तो आज से हमारी ड्यूटी शुरू हो गई है, अंदर बाहर दोनों काम करना पड़ेगा हम लोग को। मेरा बाबू भी चला गया अपने नानी के और हमें अच्छा भी नहीं लगेगा, वरना बाबू रहता था कितना ज़्यादा अच्छा लगता था, इधर उधर जाता था और सबके बीच में आता था, लेकिन अब तो एकदम घर सूना सूना हो गया है, एकदम नहीं अच्छा लग रहा है। ना जाने कब बाबू अब हमारा आएगा, अब तो गया है तो बहुत दिन के बाद ही आएगा। मम्मी बोल रही थी अब महीनों बाद या साल भर हो जाएगा तभी आएगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद गया है तो इसलिए जल्दी आएगा ही नहीं। तो देख सकते हैं अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ तो यहाँ पे लौकी की सब्जी बनेगी आज, इसे कट कर ली हूँ पहले से ही और उसके बाद यहाँ पे आटा भी गूंथा गया। आप लोग देख सकते हैं अब जा रही हूँ, राख निकालूंगी और उसके बाद लेप लगाऊंगी कढ़ाई पर, फिर जो है बनाएंगे। वैसे भी शाम बहुत ज़्यादा हो गई है तो अब शुरुआत करने जा रही हूँ वरना और भी लेट हो जाएगा। उसके बाद ये सुबह का क्लिप है। तो दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि मैं खाना बनाने के लिए गई और कब बना और कब सारे लोग खाएं, मैं आप लोग को नहीं दिखाई। तो दोस्तों मैं आप लोग को इसलिए नहीं दिखा सकी क्योंकि जब मैं खाना बनाने गई तभी जो है हमारी लाइट कट गई और रात में जो है 11:30 बजे लाइट आई, जिसकी वजह से मैं आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकी। मैंने सोचा कि आप लोग को पूरा दिखाऊँगी कि कब हमारा खाना बना और क्या क्या बनाया, कैसे सारे लोग खाए पिए, लेकिन क्या करूं दोस्तों लाइट कट जाने की वजह से मैं आप लोग को कुछ भी नहीं दिखा सकी। और इस टाइम गर्मियों में इतना ज़्यादा लाइट कट रहा है क्या बताऊं दोस्तों, आप लोग खुद ही जानते हैं जितना सर्दियों में नहीं कटता था उतना गर्मियों में कट रहा है। और फिर ये सुबह का क्लिप है तो यहाँ पे मम्मी और दीदी और ये छोटी बहन अमृता आई थी कंडे बनाने के लिए, तो ये लोग जो है आधा ज़्यादा कंडे बना ली थी और मैं कुछ काम कर रही थी इसलिए मैं आप लोग को ज़्यादा नहीं दिखा सकी। फिर लास्ट में आती तो मैंने सोचा चलिए आप लोग को थोड़ा बहुत ही क्लिप दिखा देती हूँ कि सुबह सुबह हमारे यहाँ क्या होता है। तो सुबह सुबह दोस्तों हमारे यहाँ जब भी सोकर उठते हैं तो गैया को चारा पानी दिया जाता है और अंदर किचन में भी काम होता है और बाहर हम लोग ये सब काम करते हैं यानी कंडे वंडे बनाते हैं, तो यही अमृता कर रही थी। मैंने सोचा चलिए लास्ट में दिखा ही देती हूँ और फिर जो काम होगा मैं आप लोग को दिखाऊंगी। दीदी और मम्मी जो है लोइयाँ बना रही थी, अमृता को कंडा बनाना था तो इसलिए इसे लेट हो गया, ये लास्ट में जाती है। और उसके बाद दोस्तों घर पे आते हैं तो आज मैं लग गई डोसे कामों में, तो भोजन बन गया था, हमारे घर सारे लोग भोजन कर भी चुके थे और मुझे लिपाई किए हुए 4 से 5 दिन हो गया, तो मैंने सोचा चलिए आज लिपाई कर देती हूँ क्योंकि लिपाई न किया जाए तो गर्मियों में इतना ज़्यादा ये मिट्टी जो है चिपड़ी छोड़ती है और ये रुंची उंची, मतलब जो लोग गांव में रहते होंगे उन्हें पता है कि ज़मीनें जो है रुंची छोड़ती हैं और अच्छा भी नहीं लगता है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा ही उड़ता है और लिपाई करने के बाद ये धूल मिट्टी जो है बैठ जाता है और ज़्यादा उड़ता भी नहीं है, तो इसलिए लिपाई हमेशा किया जाता है। तो मैं सोची चलिए लिपाई किए हुए 4 से 5 दिन हो गया आज कर ही देती हूँ,
तो देखिए फाइनली मैं लग गई हूँ लिपाई करने में। और आज मैं लिपाई जो है सिर्फ गोबर का ही कर रही हूँ, मिट्टी का यूज नहीं कर रही, क्योंकि मम्मी बोल रही थी मिट्टी यूज करोगी तो उसी से ज़्यादा रुंची छोड़ता है। तो मैंने सोचा चलिए उस बार तो जो है मिट्टी और गोबर दोनों मिक्स की थी, इस बार जो है गोबर से ही कर लेती हूँ। और गोबर से लिपाई करने के बाद ज़मीनें जो है पीली पीली दिखती हैं और अच्छा भी लगता है दिखने में। दोस्तों आप लोग को कैसा लगता है जब भी हम गोबर से लिपाई करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोग को भी अच्छा लगता है। आप लोग से एक बार बताऊं, भले ही लिपाई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन लिपाई करने के बाद घर जो है बहुत ही अच्छा दिखता है और चमकने भी लगता है, और कितना ज़्यादा चिकना और फ्रेश दिखता है आप लोग खुद ही देख सकते हैं। हमारे यहाँ जब भी पूजा पाठ या कोई त्यौहार पड़ता है या शादी विवाह पड़ता है तो सारे लोग अपने घर को ऐसे ही मतलब गोबर से लिपाई करते हैं, और कहा जाता है कि गोबर से लिपाई करने के बाद घर जो है बहुत ही ज़्यादा शुभ भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है दिखने में। जिनका घर मिट्टी का रहता है वो लोग तो गोबर से लिपाई कर लेते हैं, लेकिन जिनका घर टाइल्स रहता है वो लोग जो है धूल देते हैं, उसी से मतलब साफ़ हो जाता है उनका। लेकिन हमें तो अपना घर ही में अच्छा लगता है, भले ही मिट्टी की ज़मीन है, भले ही रुंची छोड़े कुछ भी छोड़े, और लिपाई कर दिया जाता है तो घर एकदम फ्रेश और चिकना और बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिखता है। लगता है कि महलों से भी ज़्यादा सुंदर हो गया हमारा घर। और जिनका घर टाइल्स का रहता है लोग धूल देते हैं और पता भी नहीं चलता है कि उनका घर धूला है या नहीं, लेकिन हम लोग के ज़मीनें तो पता ही चल जाती है कि जब भी लिपाई होती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अम्मी जो है अपने कामों में लगी हुई है, तो ये जो है दही का माठा बना रही है। कुछ लोग इसे छाछ बोलते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग छाछ ही नाम से इसे जानते हैं। तो गर्मी के मौसम में ये बहुत ही अच्छा लगता है पीने में, जो लोग पीते होंगे, लेकिन मैं नहीं पीती हूँ लेकिन हमारे घर सारे लोग पीते हैं, सबको बहुत ही अच्छा लगता है। मम्मी बोलती है कि इसे पीने से मतलब ठंडक भी रहता है और गर्मियों में ज़्यादातर लोग पीते हैं। क्या दोस्तों आप लोग भी पीते हैं और आप लोग को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है और हम पीते ही नहीं हैं, तो इसलिए मुझे और भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन बाकी लोग हमारे घर के पीते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। और दोस्तों आप लोग से एक बात बोलूँ, ये सब चीज़ें जो है गाँव में ही ज़्यादातर दिखती है और ज़्यादातर खाने पीने को मिलती है, लेकिन शहर में ज़्यादा ये सब नहीं मिलता है, आप लोग जानते हैं। इसलिए ना कहते हैं गाँव का कुछ अलग ही अंदाज होता है। जो लोग गाँव में रहते हैं वह लोग तो सारे चीज़ का इंजॉय करते हैं, हर चीज़ मतलब उन्हें मिलता है खाने पीने के लिए, लेकिन शहर वाले लोग जो है एक ही जगह एक ही रूम में रहते हैं, ज़्यादा कहीं घूम भी नहीं पाते हैं। लेकिन गांव वाले लोग जो है हर जगह चले जाते हैं, खेत खलिहान बाज़ार घर द्वार और हर चीज़ खाने पीने को मिलता है, जितना शहर में नहीं मिलता है। भले ही उनका जो है थोड़ा सा ब्रांडेड रहता है सब कुछ, लेकिन गांव का तो कुछ अलग ही अंदाज है। जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें पता ही है, गाँव में तो बहुत ही अच्छा लगता है अपने गाँव में कि हर चीज़ की सुविधा होती है और हर चीज़ हमें खाने पीने को मिल जाता है। और दोस्तों आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को शहर में ज़्यादातर अच्छा लगता है रहना या गांव में अच्छा लगता है। खैर वो सब बातें छोड़िए, और यहाँ पे देखिए बातों बातों में पता ही नहीं चला कि मैंने कब जो है पूरी लिपाई कर दी है। गलियारे में तो कर दिए, बरांडे की लिपाई शुरू कर रही थी, और देखिए बरांडे में भी लिपाई कर चुकी हूँ। और मैं ज़्यादा लिपाई आज नहीं करूँगी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि रहने दो दिन बाद जो है लिपाई करना, तो फिर जो है पूरे घर की लिपाई कर देना। तो मैंने सोचा चलिए ठीक ही, मम्मी कह रही है आज जो है ज़्यादा नहीं करूँगी, बस गलियारे और बरांडे की ही लिपाई करती हूँ। लेकिन नेक्स्ट डे जो है जब भी लिपाई करूँगी तो किचन से लेकर पूरे बाहर तक की लिपाई करूँगी। और मैं किचन की लिपाई जो है हमेशा मिट्टी से ही करती हूँ, मिट्टी से लिपाई करने के बाद किचन जो है बहुत ज़्यादा ही फ्रेश दिखता है, तो इसलिए मैं गोबर जो है किचन में नहीं यूज करती हूँ। जब भी गोबर की लिपाई करना रहता है तो मैं बाहर ही लिपाई करती हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं फाइनली अपने घर की लिपाई कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा चलिए लास्ट में आप लोग को दिखा देती हूँ। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों मैं घर की लिपाई तो कर चुकी हूँ और उसके बाद लग जाती हूँ दूसरे कामों में। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ कपड़े बाहर रख दी हूँ धोने के लिए, तो ये जो है नए कपड़े हैं। आप लोग जानते ही हैं कि मेरी फ्रेंड की शादी थी तो उसमें कुछ कपड़े हमने यूज किए थे, तो वही कपड़े आज बैठ गए हैं धुलने के लिए। और नए कपड़े जो हैं ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, तो मैंने सोचा चलिए इसे धुल देती हूँ और उसके बाद जो बाकी के कपड़े रहेंगे बिहान भर धुलेंगे, क्योंकि बाकी के कपड़े बहुत ज़्यादा ही हैं। तो नए कपड़े जो है इधर से उधर रखा रहे थे और अच्छा भी नहीं लग रहा था दिखने में, तो मैंने सोचा नए कपड़े हटा देती हूँ
मतलब धुल कर रख दूंगी और फिर बाकी के पुराने कपड़े रहेंगे तो बाद में आराम से धुला जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैं आधे कपड़े धुल चुकी हूँ और आधे कपड़े और बचे हुए हैं, तो मैं इसे भी जल्दी जल्दी धुल लेती हूँ। देखिए मैं सारे कपड़े तो धुल चुकी हूँ और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगा सारे कपड़े को धुलने में, लेकिन ये हमारा लहंगा बच जाता और इसी को मैं धुलने में जो है थक जाती हूँ। ये इतना ज़्यादा बड़ा था कि मुझसे धुला ही नहीं रहा था, जितना पहनने में कठिनाई हो रही थी उतना जो है धुलने में भी कठिनाई हो रही है। इससे अच्छा है सही लोग कहते हैं कि लहंगा वहंगा नहीं जल्दी पहनना चाहिए, भले ही थोड़ा सा सुंदर बना देता है चेहरे को, लेकिन ये जींस टॉप रहता है सही रहता है कि तुरंत पहन लो और उसके बाद जो है धुला भी जाता है जल्दी से, लेकिन ये लहंगा जो है जल्दी धुला भी नहीं रहा था। और ये दिखने में भले ही हल्का लग रहा है लेकिन जब धो रहे थे इसे बहुत ज़्यादा ही वजन लग रहा था, तो इसलिए जो है इसी को धुलने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो देखिए फाइनली मैं सारे कपड़े धुल चुकी हूँ, सॉरी दोस्तों धुल नहीं चुकी, फिर चुकी हूँ, तो उसके बाद धुलना भी शुरू कर दी हूँ। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि जब रिकॉर्ड कर रहे थे तभी हमारा स्टोरेज फुल हो गया और कुछ रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया आगे। उसके बाद दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे। और आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, और मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप लोग मेरे लिए इतना समय निकालते हैं और हमारे वीडियो को देखते हैं। बस दोस्तों आप लोग ऐसे ही प्यार बनाया करिए।